राम राम भाई सभी को। भैया आज आपको लेके चलते हैं कश्मीर। अभी हम कुछ महीने पहले कश्मीर गए, प्रोग्राम तो बनाया हमने हिमाचल का। हम मैं हूँ बड़े भाई त्यागी जी और भाटी जी राकेश भाटी जी पाली से, और मित्र गज्जू भाई डाढ़े गांव से। हम चारों का प्रोग्राम बन गया ऐसे ही घूमने का। होता रहा कई महीनों से, फिर होते होते जो कह लगे हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, अगर तू चलना तो चलना पड़ेगा। फिर भैया चलती है मामला है हिमाचल जाने का। जब गाड़ी में बैठ गए सब और हम अपने पेरिफेरल रोड पे चढ़ गए, जब मैंने उनसे रास्ते में गई मन की यार मनाली यार उसे छोड़ो हिमाचल है, हम चलते हैं कश्मीर। भैया हवा निकल गई, भैया ने कश्मीर का नाम सुना थी जो कद इतना रिएक्शन ना आया हो तो कह रहा चल ठीक है, जो जहाँ चलोगे वहाँ चले चलेंगे। हमारे नेताजी और जो त्यागी जी ए भैया मरवाए वहाँ ले जाएंगे, कहाँ कश्मीर कहाँ जावे हुए हुए कम से कम दिन तो एक डेढ़ घंटा नहीं निकल गए गाड़ी में नाले में। मैं तो एक काम करो वो कर लो मैंने ऐसे कि मैंने गज्जू कर लिया पहले अपनी रोड कन्वेंस, फिर नेताजी हो गए त्यागी जी पूरे सरमाए का जो है तो भैया पहली रात तो हम रुके जम्मू में, रुके पहलगाम। अब पहलगाम से जा रहे हैं हम श्रीनगर की तरफ। तो आप देखो सारे बड़ा मतलब बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी ट्रिप थी हमारी, बहुत अच्छी। और जो भाई अभी तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर ना गया है तो डर जाने में, उसे जरूर जाना चाहिए। इतनी प्यारी जगह है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा खाना पीना है, इतनी अच्छे मतलब वहाँ का माहौल है, इतनी शांति है। जो वहाँ के लोकल है ना इतने सपोर्ट है, सपोर्ट करे हैं, मतलब इतने कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार जो न गया वो कश्मीर जरूर होगा। हमारा तो बल्कि भी मन है अगली बार हम ढंग से न घूम पाए, लेकिन पहली बार गए इसलिए अगली बार जाएंगे ना ढंग से घूमेंगे, और दोबारा जाने का मन है हमारा। बहुत जल्दी ट्रिप बनाएंगे कश्मीर, अगली गर्मी में बन सका है। स्टार्टिंग के रास्ते में आए हम जम्मू से पहलगाम तक भी, पूरा पहलगाम भी मतलब ये वीडियो डिलीट होगी पता ना कैसे मेरे से, ये सब जितनी वीडियो मिली है ना ये सब मैं डाल रहा हूँ। इतना सुंदर है मतलब शब्दों में क्या बताऊँ मैं आप है। रास्ते में भी मतलब इतने इतने नज़ारे, इतनी टनल बना दी है, इतने अच्छे रोड, इतने अच्छा हाईवे, कोई किसी भी तरीका की कोई मतलब जैसे सुना है कि भी आतंकवाद है ये है वो है, कुछ भी नहीं है। पूरी सुरक्षा, पूरी सिक्योरिटी, अच्छे कोऑपरेटिव लोग। तो भैया आओ विजिट करो जरूर और पूरा व्लॉग देखो, एंड तक आप खुद समझ जाओगे कितना सुंदर है। इसमें दिखेगा वो 20% भी ना हो, इतना सुंदर है कश्मीर। आप देखो पूरा व्लॉग। कौन सी झील है दल तो नो है पर चल दल पर है कोई सी झील। अरे भाई मैं आपकी हेल्प से हम निकले तो जाएगा जल्दी, ये देख रहे हो ना ये बीच के पोर्शन ना पावे हमें खड़ी है मार्केट का पोर्शन है उससे आगे जाके बिल्कुल जो सोन की सी है भाई साहब बगीचा तो पड़ेगा ना फूल ही फूल है जहाँ एक सब जाके देख लें मैप की हेल्प से। लेकिन हम सोचते कि डल लेक ना हो कुछ और है। देख रहे हो जी मैप तो वहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा हूँ डल लेक है, उसी कॉन्फिडेंस में सोचते कि डल लेक ना हो कोई और है। है ना गजब मामला डल लेक भाई, इतना सुंदर वेदर, इतना अच्छा हो रखा बहुत जबरदस्त। अब देखो बोट खड़ी है वहाँ डल लेक को मतलब कई बार चक्कर काटे आके, बारिश पड़ रही धीरे धीरे भात उतर घूम ना सके, गाड़ी से 3-4 बजे कभी इधर कभी उधर, बाद में समझ में आता डल लेक रात को पूरे होटल है ऐसी जैसी खड़ी है ना यूं ऐसी उनमें रहे पूरी रात को गए उन्होंने पूरे कमरे बने हुए बाकायदा। हाँ तो उनको भी तो देख रहा हूँ मैं डल्ले चलो उससे ही वहां तक Thank you.
बारिश इतनी हो रखी कि जगह जगह पानी भरा पड़ा है, लेकिन खूबसूरती देखने लायक कश्मीर। तो थोड़ी थोड़ी देर में गाना निकल रहा है मेरे मुंह से, ये कश्मीर है। मतलब आनंद नेक्स्ट लेवल, कश्मीर की खूबसूरती एकदम नेक्स्ट लेवल। डल लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं हम, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा है, शाम का समय हो रहा है, कुछ बारिश से मौसम इतना सुहाना लग रहा है वहां का, इसकी कोई हद नहीं। पहली बार हमने डल लेक देखी इसलिए अलग ही। अरे देखो हमारे सबके चेहरे, ये दोनों भैया बिल्कुल डर रहे आने से कश्मीर, ये कह रहे कह रहा भैया कहाँ ले जा मरवा ले जाके, और ऐसे टाइम पे पहुंचे तो न होटल को भी आता न पता न कुछ, बस घूम रहे तो डर चेहरे पे भैया के पे साफ दिख रहा है बिल्कुल मासूम। अरे बाबूजी पीछे से तो आगे है अच्छा बड़ा मुश्किल है, ये तो वो हम भी आगे पड़ा जगह जगह पड़े, ये वही ये सफाई वाले चलो जी ना समझ रहा। जब हमें मालूम चला ना कि डल लेक ही है, फिर तो हमें दो तीन चक्कर आई के आसपास घूमते रहे, कभी इधर को पूरी डल लेक देखी ऐसे में, चलो बारिश जब भी पड़ रही है नीचे तो उतर ना सके, और अब इतना सुंदर मतलब इसमें तो देखने में क्या बताऊं, जो वो फील आया हो ना गजब ही एकदम गजब। डल लेक के साइड में घूमते घूमते हमें फिर एक मार्केट दिखी हमारे उल्टे हाथ पे, इसमें बारबेक्यू की है, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, चिकन मटन और ये नहीं तो जो खावे वहाँ सब कश्मीर में लोकल आइटम वो सब की दुकानें ही। फिर हमने भी भैया ने क्योंकि तो नॉन वेज खाता ना है गज्जू, तो हम तीनों भाई ने अपना वहाँ खाया पिया, उसके बाद होटल ढूंढने लगे, होटल कई सारे होटल देख के एक हमें होटल मिला फिर हमारे बजट में, बजट में भी क्या यू भी 4,000 रुपये का दिया, दो रूम लिए हमने दोनों अलग अलग। इसके बाद में भैया यहाँ आराम करके अपने बैग वैग रख के होटल में, फिर हम निकल गए, बारिश भी रुक गई थोड़ी सी डल लेक पे। पहले दिन भैया पहलगाम में रुके, दूसरे दिन श्रीनगर में, तीसरे दिन सुबह उठ के कारगिल की तरफ चल रही है, ये गुलमर्ग और सोनमर्ग जो पड़े हैं होटल में रहने दिया सामान सारा हमने, होटल क्या चेंज करा है वापस यहीं आकर करके हम सब निकल रहे श्रीनगर के, श्रीनगर के जा रहे सारे रास्ते कोई भी हल्का घर देखने को नहीं मिला, गरीब से गरीब तो लोकल लोग उसके सामने बात करी ना, किसने ये बताया कि भाई यहाँ मकान बनाने को बहुत जोर लग रहा है, इसी को भी लोकल से लोकल को भी कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, अरे एक से एक कर रहे मतलब पूरे इधर हम पूरे श्रीनगर में पूरे वहां पे जब से मतलब कश्मीर के अंदर घुसे हैं ना, मतलब हल्के ऐसे जो मतलब कहीं भी उन्हें मिला कंडीशन सारा मतलब इतना कम कराओ गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी हर जगह मतलब साफ सुथरा बिल्कुल बेहतरीन एकदम नजारी है, देखो दिल खुशी होगा वहाँ। दो तीन दिन मतलब पहली बार आए डरते डरते डिसीजन ना हमारा हिमाचल जाने का, ये देखिए भाई क्या नजारे है,
मतलब ये तो कुछ नो है, वैसे देखोगे ना तो अलग ही नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। अरे ले ले भैया, तो धरे दो डिब्बा मार दो रहे। लेह 400, कारगिल 174, द्रास 117, है लेह कारगिल ना चले, आज पाकिस्तान चलते सीधा है, वीजा का घुसपैठ कर देंगे ऐसी है। जन्नत की बोले भाई कश्मीर है, वीडियो में देख के आप पता चल रहा होगा, हमने तो एहसास कर लिया हूँ जाके वाकई जन्नत है। एक एक जगह, एक एक वो क्या वहाँ के गांव, क्या कस्बे, क्या वहाँ के, मैं श्रीनगर तो खैर उनका मेन वो है ही जो है, बहुत सुंदर शहर है श्रीनगर भी, डल लेक के जो नज़ारे हैं, जो एक्सपीरियंस है वहाँ का वो अलग ही है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, क्या सुंदर है। ऐसा हो रहा है एकदम गजब, ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान एक हो रखे हैं। याद ही एकदम ग्रीन आंखों को ताजगी, साफ सुथरा, बिल्कुल गजब है ये वाकई, इससे मतलब शांति भी खूब है, अब तो टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं। भूख लगी, फिर एक ढाबा सोया रास्ते में, देसी उस पे रुके हम, ये देखो वहीं पे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई। ये क्या गजब के वहां पे खाए ना खाना, इतना लोकल इतना टेस्टी खाना बनाया, इतना टेस्टी बहुत ज्यादा, जब गांव में पीछे एक छोटा सा वहां से खाना खाकर निकल लिए। खाना खाकर निकल लिए रास्ते में देखो आनंद लेते हुए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि सब के सब जो चारों के चारों हम अपने आप ही इधर उधर देख रहे हैं, आपस में कोई मतलब बात भी ना कर रहे, इतना खुले हैं नेचर में, साथ में नीचे नीचे एक नदी सी बह रही है, इतना शांत, इतनी शांति, इतनी सफाई, इतनी हरियाली, कर रहा बस यहीं रह जाओ, यहीं बस जाओ। कंस्ट्रक्शन का काम वहां भी खूब चल रहा है, बहुत जोरों पे, बहुत विकास कार्य हो रहे हैं वाली के, सब ये आनंद लिया पूरा। फिर बीच में हम रुके एक जगह, वहां रुक के फोटो वोटो खिंचवाई, सब गजब गजब ही वेदर है एकदम। वो टनल बना रहे हैं सब जगह, टनल के काम चल रहा है, टनल नॉइस, अरे भाई टनल ये वो निकाल रहे ना उसे, अरे सब चढ़ जा भैया, एक से एक आई आई टी जाऊंगा।
अलाइनमेंट आउट हो जाएगा दूसरी फार्म को अभी। भैया चलो तो मैं इनके वहां में बताऊ बहकावे में क्या हो गया। कहेंगे दूरी बहुत है, बी टाउन यहाँ पर टाइम लग जाएगा जुड़ने में। यहाँ भी है कि श्रीनगर में एम्स हटे बहुत आए भी नहाओगे वहां जाओ बीच से मैं को पानी का बहाव बहुत ज्यादा है चश्मा उसमें हंसने जा रहे कजिए कजिए चप्पल ले जाना पड़े घर को निशानी के तार पे। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई अरे कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई है चल के देखना उसका तीन चार हजार पकड़ी। अरे कुछ बोला वीडियो बन रही वीडियो क्या हुआ देखते क्या हम करते पाकिस्तान जाके रुकेंगे पाकिस्तान से पहले स्टे है ना बिना श्याम को ही करना है यूके में ऊपर को पहाड़ पर।
पूरा आ रहा है। हमारे त्यागी जी ने नीचे से इतना प्यार होगा, गाड़ी में बैठने की मन न कर रहा इनको। जावा हमें भैया यहीं छोड़ देंगे, आ जाओ फिर। कश्मीर रियल में उसको 20% भी नहीं दिख रहा वीडियो में, तो सुंदर है, तो सुंदर है कि मतलब वीडियो में मतलब कोई कैद नहीं कर सकता, पर बिल्कुल पिघल बनकर निकल गया।